मामले में आरोपी बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान एनसीबी के समक्ष अपना बयान आज दर्ज करवाने जा रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले एनसीबी ने रविवार को आर्यन खान को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन स्वास्थ्य का हवाला देने के चलते आर्यन के वकील ने 2 दिन की मोहलत मांगी। आपको बता दें, आर्यन एसआईटी टीम के समक्ष अपना बयान आज दर्ज करा रहे हैं। इस मामले में एक के बाद एक लगातार नए नए सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं और इन खुलासों के बीच में रिश्वतखोरी का जो एंगल है वो काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आर्यन खान केस में 25 करोड़ रुपए की डील का आरोप लगाने वाले गवाह प्रभाकर सेल से 10 घंटे तक पूछताछ चली है। जी हाँ, आपको जानकारी जो मिली है वो बता दें, एनसीबी के अधिकारी ने बताया प्रभाकर से एक्सटॉर्शन के आरोपों को लेकर पूछताछ की गई है, जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन के मामले से जुड़ा है। इस गवाह प्रभाकर को पूछताछ के लिए एनसीबी ने एक बार फिर से अपने पास बुलाया है। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह का कहना है कि यहाँ पर प्रभाकर सेल को दोबारा बुलाया गया है। सेल ने एफिडेविट फाइल पर इस केस से जुड़ी कुछ सनसनीखेज बातें कही हैं। गवाह का कहना है कि वो केपी गोसावी के बॉडीगार्ड के रूप में काम कर रहा था, जिन्होंने अपने काम को लेकर गलत जानकारी दी। गोसावी को आर्यन केस को लेकर 25 करोड़ रुपए की डील की बातचीत करते हुए प्रभाकर सेल ने सुना था। खैर, अब देखना होगा इस मामले में और कौन से नए खुलासे आगे आने वाले वक्त में हो जाते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।